नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ काल रात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि के सातवें दिन हम माँ कालरात्रि जी की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन हम श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 12 और 13 का पाठ करते हैं। अध्याय 12, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों एवं तीन प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में, जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती हूँ और वहां पर सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जान कर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरत काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सभी मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसी प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता है। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किए जाने पर, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं निशुंभ और शुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अम्बिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होते हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं।
पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती हैं। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे फल स्तुतिर्नाम द्वादशो अध्याय संपूर्णम। अध्याय 13 राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन उग्रव्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानी हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप तथा हवन के द्वारा उनका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, हे राजन, अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो मुझसे मांग लो। यह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मार्कंडे जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सामरणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको मैं देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सामरणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्मे सुरथ वैश्योर्वर प्रदानम नाम त्रयोदशो अध्यायः संपूर्णम। आइए हम सब मिलकर माँ की आरती कर लेते हैं। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय, भयहारिणी भव तारिणी भव भामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय, तू ही सत्चित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा, माँ जग जननी जय जय, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, माँ जग जननी जय जय, अविकारी अघहारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरि हर संहारकारी, माँ जग जननी जय जय, तू विधि वधूरमा तू उमा महामाया मूल प्रकृति विद्या तू तू जननी जाया, माँ जग जननी जय जय, राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, माँ जग जननी जय जय, दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा, माँ जग जननी
जय जय। तू परम धाम निवासिनी महाविलासिनी, तू ही शमशान विहारिणी तांडवलासिनी, तू माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिनी सौम्या तू शोभाधारा, विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा, माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रत्न विभूषित तू ही अस्थितना, माँ जग जननी जय जय। मूलाधार निवासिनी इहि पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वर दे, माँ जग जननी जय जय। शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य अभेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी बिमले वेद त्रयी, माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपत जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे, माँ जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि की जय, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे, माँ जग जननी जय जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी।